हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेज। इस कपिल शर्मा के तो हर कोई दीवाना है, हर कोई उनकी न्यूज़ देखता है, हर कोई उनके सीरियल देखता है। वो हंसाते चले आए पिछले करीबन करीबन 10 सालों से, लेकिन जो हाल फिलहाल में उन्होंने न्यूज़ अपलोड की है वो कितनी सही है या कितनी गलत है वो उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। शायद अगर थोड़ा सा कुछ आए थे, उन्होंने गाली वगैरह भी दी है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद उनका अकाउंट हैक हुआ है कि नहीं, तो मैं थोड़ी सी देखता हूँ कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ है। एक तो पहली ट्वीट में गाली दिया उन्होंने, घटिया सिस्टम, घटिया काफ़ी कुछ कहा है उन्होंने। दूसरा कहा है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दिस इज़ द न्यूज़, वाई डोंट यू टेल द सोर्सेज। यहाँ पर मीडिया के बारे में उन्होंने बात कही है कि यार जो कहते हैं सूत्रों से खबर पता चली है, लेकिन सूत्र कौन होते हैं उनके बारे में क्यों नहीं बताते ये मीडिया वाले। ये जो इल्ज़ाम लगा है ये कोई गलत नहीं है, सीधी सी बात है। आप सूत्रों के हवाले कब तक खबर चलाते रहोगे, कब तक अपनी गाड़ी चलाते रहोगे, यानी कि खासकर मीडिया वालों की बात कही है, जहां पर आए दिन हमेशा हम सुनते रहते कपिल शर्मा, अली असगर, कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवाल, इन सब के बारे में। तो आई थिंक कपिल शर्मा भड़क चुके हैं इस बार और बहुत ज़्यादा भड़के हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक मीडिया हाउस को टारगेट भी किया है हैशटैग दे के। देखिए एंड मीडिया, एंड रिक्वेस्ट टू मीडिया कि मैं मीडिया को ये रिक्वेस्ट, डोंट मेक इट नेगेटिव न्यूज़ जस्ट टू सेल योर पेपर, यानी कि नेगेटिव न्यूज़ मत बनाओ सिर्फ अपना पेपर बेचने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इसको आप, कुछ लोग ये कह रहे कि शायद ये हैक हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि हैक नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, अगर हैक नहीं हुआ है तो कपिल शर्मा बहुत ही परेशान है मीडिया वालों से, जो बिना मतलब का आए दिन कम से कम 3 से 4 न्यूज़ ऐसी, हर कोई अपने अपने हिसाब से न्यूज़ बनाता रहता है कपिल शर्मा को डिफेम करने के लिए। और इसके अलावा सलमान खान के बारे में भी शायद उन्होंने कुछ कहा है कि नहीं, आई थिंक कहा है, देख सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे महाजन टाइप लोगों को देखा है जो बड़े फख्र से बताते हैं कि हमेशा शिकारियों शेर शिकार करता है, मैं मिला हूँ उनसे, सलमान बहुत लोगों की मदद करता है, अच्छा आदमी है, और ये घटिया सिस्टम का है। यानी कि बहुत ज़्यादा अपसेट है फिलहाल कपिल शर्मा, और जो ट्वीट किया है, मैं अगर मेरी ओपिनियन माने तो कहीं ना कहीं कपिल शर्मा ने बहुत ज़्यादा गलत नहीं कहा है, लेकिन हाँ लैंग्वेज गलत यूज़ किया है। एक परेशानी जरूर रही है कई बार सेलिब्रिटीज़ को, क्योंकि मीडिया वाले बिना सोचे समझे एक सोर्सेस के हिसाब से लेकर कुछ भी न्यूज़ बना देते हैं। और ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इवन श्रीदेवी की जब डेथ हुई थी उस वक्त भी मीडिया ने अपना लेवल पार कर दिया था, जिससे मुझे तो तकलीफ हुई थी और बाकी बहुत लोगों को तकलीफ हुई थी, और वो सीधी सी बात है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेटमेंट कपिल शर्मा की तरफ से आया है, जहाँ पर वो पहली बार अपना रुख उन्होंने जाहिर किया है और बाकी सभी मीडिया हाउस को टारगेट किया है, और किसी एक पर्टिकुलर मीडिया हाउस को तो स्पेशली टारगेट किया है, जो मैं बताना चाहता हूं इस ट्वीट में। देखिए एंड रिक्वेस्ट टू मीडिया इस ट्वीट में। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और कपिल शर्मा के ट्वीट के बारे में क्या राय है जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।